तैयार है। कितने दिनों के बाद। हेलो जी अस्सलाम, अबे हॉरर नूट बज गया। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, तो भाई कैसे आप लोग, सब सेट है, ठीक है। तो फाइनली बकरीद खत्म हो गई और वापस से मैंने इतना गैप दे रहा, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, हर जगह मेरे साथ गली में मराते तो गली के दोस्त ही बुलाने देते, यहाँ आता तो यहाँ पे नहीं बनने देता। अच्छा तो मैं बोल रहा था कि क्या बोला था, हाँ बकरीद के बाद वापस से वही वाला मेरा सीन हो गया, बहुत कम कम वीडियो आएंगे लेकिन अब जब भी बनाएंगे तो बना लेंगे, वापस शुरू कर ले क्या। अच्छा तो मैं बोला था, और ये ब्लॉग मैं एक बहुत खास बंदे के साथ शुरू कर रहा हूँ, मेरा दोस्त लाल, आप सबका फेवरेट, और बहुत लोग कमेंट कर रहे होते हैं लाल का है, लाल का लाल मेजॉरिटी लेडीज ऑडियंस की बात नहीं, भाई कोई नहीं कर रहा, सीरियस। अरे भाई कोई नहीं कर रहा, ये मुझसे नाराज था बहुत ज्यादा, मुझसे बहुत बिल्कुल बात बात नहीं कर रहा था, लेकिन बताओ नाराज होने की वजह बताओ, छोड़ो फुल बायकॉट किया था इसने मेरा, लेकिन इसने मुझे पिछले हफ्ते, लेकिन इसने मुझे रील भेजी, मैं बोला तबीयत खराब थी वैसे, मैं नहीं आपको वजह बताता हूं ना, ये बहुत अमीर लोग, हम गरीब लोग हैं मुन्नू भाई, गरीब लोग देखो यार क्या गरीब लोग, ये दुनिया अभी भी यही है, कपड़े पहनते हैं लोगों को भी लगा, अमीर गरीब में जी रहे इनकी वजह से। और बाकी हमारी बारबेक्यू स्टार्ट हो गई, मैं माहौल दिखाता हूँ, दिखाएं भाई, ये भाई निहाल भाई को देखें, आग लगाने मास्टर, ये मेमन भाई, मेमन भाई वालेकुम अस्सलाम। ये मेहमान ही मुझे मना कर रहा था वीडियो नहीं बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन जैसे ही बनाई इसे वापस से फंका दिया। आपने किस वजह से बनाई है ये बताओ, क्योंकि 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 कुछ भी नहीं, तो वीडियो बंद कर दिया। और अभी टाइम क्या हो रहा है सलो, रात के तीन पौने तीन हो रहे हैं, रात के पौने तीन हो रहे हैं, और हमेशा की तरह हमारे वही हाल है कि अब जाके हमने आग लगाना शुरू करी। और निहाल भाई, हाँ कौन ताला चलेगा यार, वो मैंने बड़ी जबरदस्ती बोल के ताला अंजुम से गवाया मेरे लिए, हाँ। लगाना। बाकी खाने में क्या क्या है मुन्नू, खाने में क्या क्या है भाई, खाने में हमारे पास है मटन कढ़ाई, ओह और हमारा बारबेक्यू, प्यारी प्यारी गायों का आज हम बैठ के खाएंगे इन लोगों को, और आपका भाई सेफ आराम करेगा, कोई काम नहीं करेगा क्योंकि मेरी हालत ऐसी बैंड हो गई है। अरे शेफ भाई पूरा आ जाएगा, आप कढ़ाई मुन्नू को, हाँ कोई भी कढ़ाई बनाएगा ये नहीं बनाएगा, कुछ नहीं बना, हाँ नहीं जी आप बारबेक्यू बना लो, लेकिन हाँ जी क्या मजाक चल रहा है, बोटियां लगाओ सीके लगाओ, चलो जल्दी लगा, आती नहीं है बिहारी है तू, अलग बिहारियों को पैदाइशी आती है बेटा, ओ भाई तूने बोला था साथ, तुमने बोला था, तुमने बोला था ऊँट का गोश्त कहाँ है भाई, नहीं मिला, खा गया मैं, खा गया अबे पूरा ऊँट खा गया, पूरा ऊँट खा गया, अल्लाह को वहाँ पे कैसे टोपी आदमी है यार, ये मुन्नू वालों ने किया, मैंने अपने डिफ्यूजर में डाल के खा लिया, तेरा मानी चाहिए, इतना सा ऊँट का गोश्त ले सकते हैं, मटन खिला मटन खिला, मैं लेकर आ गया तेरे लिए, हाँ दो बोटियां तू लो, तूने भी साइड कर लिया, दो बोटियां साइड में, दो बोटियां साइड में, बजा बताओ, बजा रिकॉर्ड करो, बजा नहीं बता सकता, बजा बताओ, अच्छा लंबी नहीं करो यार, सीके लगाओ बहुत टाइम हो गया, ओए गोश्त लेके आ लाल जल्दी, लिया है है? चलो गोश्त दिखाओ कितना लाया, चलो भाई सीके वगैरह लगाना शुरू हो गई, और ये सारे बैठ के आराम कर रहे हैं, मैंने सोचा था मैं आराम करूंगा, लेकिन क्या बोला, हाँ पीछे वाला बंदा काम कर रहा है, उसको दिखाओ बहुत बच्चा बन गया, नहीं बैठा हो जी, ये सीके लगा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, आ जाए चलो हाथ डाल जाओ, तो मैं भी हूँ, नमाज पढ़ के नहीं आया तू, सही होशियार है यार, एक से एक होशियार भरे हैं इस दुनिया में, कोई बात नहीं भाई, चैंपियन है बेटा, बचपन से लगा रहा है, चलो भाई फाइनली सीके वगैरह लगा दिए, आग भी फुल टाइट हो गई है, निहान शाह ने आग भी लगा दी थी, और क्या बात कर रहे हैं बताने की जरूरत थी, और आपको पता बदु बदी भी आए हैं, और इसके अंदर हमने कढ़ाई शड़ाई भी रख दी है, तेल वेल गरम होने के लिए, फुल वीआईपी सेटअप हो गया है, स्पीकर स्पीकर चल रहे हैं, तो बस अभी यही मॉल चल रहा है, रात की तकरीबन फजर होने वाली है, ये सलोज भाई एक्सपीरियंस, और यहाँ पे मुन्नू अपनी वाली जो बोटियां जाएंगी वो लगा रहे हैं, बाकी वाइट फॉर डिलाइट वाली, तेल तो इतनी जल्दी गर्म हो गया, आवाजें आ रही है, और बाकी अभी यहाँ पे फुल मॉल वॉल बना हुआ है, रात काफी हो गई है, लेकिन अब फटाफट फटाफट बनाते हैं और जरा खाते देखते हैं क्या सीन है, भाई यहाँ पे तीन महान शेफ बैठ गए हैं यार, साथ ये कुछ बोटियों में क्या मसला हो रहा है, बछड़े का थोड़ा मतलब था, दो दांत बोल के आठ दांत दे दिया बछड़ा, बोटियां लग रही यार, क्या बोल रहा है, मैं सलोज की बोटियां लाया है जो दो दांत बछड़े वाली, मुझे आइडिया नहीं है, ये सलोज जो बोटियां लाया हमें बेवकूफ बना के आठ दांत के बछड़े, ये देख लो ये सारे जितने दोस्त हैं सबकी शक्लें दिखा, ये इनको बुला रहे हैं मैं घर में, सबको दलील करना, अबे आठ दांत बछड़े का गोश्त लेके आया है तू, सीखो में नहीं घुस रहा है यार, इसके टमाटर भी नहीं गल रहे हैं जी, पता नहीं क्या फंकारी कर रहा है, ये देखो भाई एक्सपेरिमेंट हो तेरी तो खैर, बच गया मैं इसके ऊपर पूरी आग उड़ते भाई, बंद कर दो भाई बंद करो, ओए 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 क्या हो रहा है उस्ताद, मुन्नू आती है ना पकाना पक्का, चलो अल्लाह वाले के, चलो भाई पहली सीख भी बन गई हमारी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कहो भाई सब कैसी है लाल, मजे के जान के जान निकालो निकालो निकालो, सही है, मोटे को डालो, लड़ो नहीं बस,
अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमारे कुछ महान शेफ बैठे हुए थे जो कि अभी पर छींक रहे हैं और एक और दूसरा बंदा, लेकिन अभी इनको उठा के मैं बैठा हूँ, थोड़े सीके वगैरह को देखो सही से, अब इसको सही से प्रमोशन के लिए कर रहा है, सिर्फ प्रमोशन की कसम मैं आगे बैठा हुआ थोड़ा, ये लोग उतारे जा रहे, पकी वकी है नहीं उतारे जा रहे, लेकिन खैर वाली हो गई। अब कढ़ाई बसात देख रहे हैं, कढ़ाई भाई भाई प्लीज प्लीज सही से कर लेना, बाकी पकाते हैं और जरा देखते हैं खाते हुए कैसा बनता है ये। चलो भाई फुल कढ़ाई शढ़ाई बन गई है, खाना वाना सब आ गया, पीछे अजान भी हो गई है, फटाफट से खाते हैं फिर नमाज वगैरह पढ़ते हैं, देखते हैं रहा यार फुल बहुत देर हो गई हमें भाई। खाना वाना खा लिया और खाना खाने के बाद जो हाल होता है, जिसकी छत होती है उसकी हालत बैंड मचती है, सारे काम बेचारे लाल कर रहा है। लाल यार मदद चाहिए, कर लोगे? लाल ने वहां बैठ के सारे बर्तन भी धोए और अब कैमरे के सामने नहीं कुछ कर रहा लाल कबूत है लाल मुंह ऐसे चुपा रहे जैसे हम पहचानेंगे नहीं इसको पीछे से। The next day. ओ तो भाई यहाँ पे फुल कुछ तेज ऐसी कुछ बारिश हो रही है, मस्त मलंग मारी। तो भाई यहाँ पे तो फुल ऐसी कोई बारिश शुरू हो गई है। अच्छा मैं बोला था कह रहा ये बारबेक्यू वाला ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और ना बिल्कुल ही मेरा ना उस वक्त ना उस दिन ना वैसे ही दिल नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा थक गया था ट्रैफिक की वजह से और ये वजह से, तो ना बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था ब्लॉग ब्लॉग बनाने का, और ना वैसे भी यार जब बकरे खत्म हो जाती ना मेरा दिल नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ आया यूनिक वो टाइम को भी बहुत टाइम हो गया, आज पता नहीं चौथा पाँचवा दिन हो गया बारबेक्यू करे हुए, लेकिन यहाँ आया इतनी प्यारी बारिश हो रही है। चले मैं रिस्क लेके दिखाता हूँ आपको, ये चेक करें ऐसी प्यारी बारिश हो रही है, और ये कोई आवाज़ें दे रहा है मुझे नीचे से, हाँ इधर ऊपर ऊपर। तो मैं बोला था यार ब्लॉग करते हैं ख़त्म, जैसी बारिश हुई मेरा मूड थोड़ा अच्छा हुआ, मैंने बोला अब ब्लॉग बनाते हैं और फाइनली ख़त्म करते हैं। पुराने इतनी ज़्यादा चीकी की भी याद आती थी, ये भी होता था, लेकिन फाइनली और दास भाई गीले हुए मैं तो जैसी गेट में पहुंचा वैसी बारिश हुई, नीचे से गीला हूं ऊपर से सूखा, ये क्या बात हुई। अच्छा तूने पैराशूट पहनी हुई थी ना, अबे यार टायर्ड सीन हो गया, वैसे मजा आ गया। मैं बोला था चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना इसी बात में, और कमेंट में कुछ भी कर देना, भली गालियां दे देना, मजाक कर रहा हूं गालियां नहीं देना, लेकिन अबे फकीर नहीं यार, अभी पूरा ना गिर चुका होता है इस टाइम ना, सारी मेरी व्यूअरशिप चले जाती है। सही है भाई, बाय बाय टाटा, लाफ, मैं जरा एंजॉय करता हूं बारिश।